अस्सलाम वालेकुम। आप सबका रुबात वालिदमन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं थ्री मिल्क केक, जिसे हम क्रशलेस केक भी बोलते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पुडिंग जैसा बहुत ही मुलायम केक होता है, बहुत मजे का होता है। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही बेसिक है, बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ हमने लिए 5 एग, जिसको हमने सेपरेट कर दिया है, मतलब एग योक और एग व्हाइट को अलग कर दिया। जो एग व्हाइट है उसमें बिल्कुल भी इतना सा भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए एग योक का, क्योंकि आपके एग व्हाइट आप बनाएंगे मेरेंग, अगर एग योक में अगर थोड़ा सा भी एग व्हाइट है तो चल जाता है, बट एग व्हाइट में एग योक नहीं चलता है। ओके, उसके बाद हमने लिया है यहाँ 1 कप फ्लावर, जो कि हमारा ग्राम्स में आ जाता है 120 ग्राम्स। शुगर भी हमारे पास 1 कप, जो कि आ जाती है हमारे ग्राम्स में 200 ग्राम्स। फिर यहाँ है हमारे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, मतलब कि 5 ग्राम्स। 1/3 कप मिल्क, और हमने लिया है यहाँ पे वैनिला एसेंस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा मेरेंग। तो यहाँ लिया मैंने एग व्हाइट, जिसे अब हम बीट करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें हमारी डाल देंगे 1/4 कप शुगर, जो कि हमारी 1 कप में से ही हम निकालेंगे। ओके, बाकी की हम शुगर डालेंगे हमारे एग योक्स में। ओके, सो ये हमारे बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बने, क्योंकि हमें इतना हार्ड मरैंग बनाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट से पीक्स बनाने हैं। अभी आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा रनिंग है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल स्टफ नहीं हुआ है, हमें इतना स्टफ चाहिए भी नहीं। अब हम इसे साइड करेंगे और हम आ जाएंगे बाकी एग वाइट एग योक्स की तरफ, कि हमें एग योक्स से क्या करना है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे एग योक्स और रिमेनिंग शुगर। ओके, इसको हम हल्का सा पहले सॉफ्ट पेल कलर करेंगे इसका, मतलब इसको बीट करने के बाद आप देखिएगा। अब इसका कलर दिख रहा है आपको, ये भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा रनिंग कम हो गया, मतलब इसमें भी हल्के हल्के से फोम टाइप आ गया। अब हम इस कंडीशन में इसमें मिल्क डाल देंगे सारा, 1/3 मिल्क। इसे फिर से बीट करेंगे। बस इनाफ। अब हम इसको हटा देंगे और अब हम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट से इसे बिस्क करेंगे हल्का हल्का, या आप बोले तो आप फोल्ड भी कर सकते। मैंने फ्लावर और बेकिंग पाउडर को एक साथ मिक्स कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे स्लोली स्लोली। अच्छा, ओवर मिक्स नहीं करना है, ठीक है, बस इतना मिक्स करना है कि अच्छे से आपका फ्लावर मिक्स हो जाए और ये लम्स भी ना क्रिएट करे। ओके, एंड दैट फाइनल इंसिडेंट। अच्छा, ये केक बहुत ज्यादा एयरी बनता है। ओके, तभी तो ये एयरी बनेगा, तभी तो ये अपने अंदर 3 मिनट को सोक करने की पावर रखता है। ओके, एनफ, ये हो गया। अब हम इसमें मरैंग को फोल्ड करेंगे, मिक्स नहीं। ओके, ये देखिए हमारा मरैंग, इसको ऐसे लेंगे थोड़ा सा, इसमें हल्का हल्का फोल्ड करते रहेंगे। तो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारे एयरी फोम लाइट केक्स होते हैं, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और हल्का सा भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, तो ही हमारा एक केक बहुत लाइट एयरी और बहुत फोमी बनेगा। और ये केक्स बहुत मजे के होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। जो लाइट वेटेड केक होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी शुगर की क्वांटिटी, उनकी फ्लावर की क्वांटिटी, सब कुछ परफेक्ट होती है। उनका केक का जो टेक्सचर है ना, बहुत अमेजिंग होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा, मतलब कि आप समझे, 1/2 टीस्पून जितना वेनिला डालेंगे, उसे हल्का सा मिक्स दे देंगे। ओके, वेनिला बिल्कुल ऑप्शन होता है, ऑप्शनल होता है, क्योंकि किसी को वेनिला एसेंस का फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता।
तो अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है तो भी आप ये केक बना सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके दैट्स डन। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है क्योंकि मुझे इसी में सेट करके रखना है और मुझे इसी में मिल्क लगाना है, तो मैं इसे इसी ट्रे में बना रही हूँ। ओके तो आप कांच की भी ट्रे ले सकते हैं, आप स्टील का भी पैन ले सकते हैं। ओके अच्छा, मैं इसे हाफ हाफ करूंगी ताकि जब ये राइज हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ओके मैंने हाफ रख दिया है, अब मैं इसे हाफ दूसरे प्लेटर में लगाऊंगी। तो यहाँ दोनों ट्रेज में मैंने डाल दिया है, हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए आपको केक हमारा बिल्कुल फुल डन हो चुका है। अच्छा ये एयरी केक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, आपको मैं दिखा देती हूँ मार्क। ये देखिए दैट्स डन, आपको दिख रहा है बिल्कुल डन है। तो ये इस तरीके से ही होता है, ये हमारा 3 मिल्क केक है। और ये थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका लफ खुद ही बैठ जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं क्योंकि केक ही ऐसा है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे, तब तक हम इसका 3 मिल्क का मिक्सचर रेडी करते हैं। 3 मिल्क के लिए हम लेंगे नॉर्मल मिल्क 1 कप। ओके अच्छा, जो मिल्क है हमारा ठंडा होना चाहिए क्योंकि हमारा मिक्सचर बिल्कुल कोल्ड जाएगा, ठंडा होगा तो ही अच्छा सेट होगा। ओके फिर हमारी क्रीम जाएगी इसमें, वो भी हमारी 1 कप जाएगी, और हमारा कंडेंस मिल्क भी 1 कप जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दी है हमारी क्रीम, ठीक है। अच्छा जो 1 कप क्रीम होती है तकरीबन आपकी 200 ग्राम। ओके और फिर हमारा जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क जो कि 1 कप जाएगा, वो भी हमारा 200 220 ग्राम होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडेंस मिल्क 1 कप। ये हो गया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक मिक्सचर जैसा बन जाए। ये देखिए ये मिक्सचर रेडी हो गया, अब हम इसे और ठंडा होने रखेंगे जब तक हमारा केक भी ठंडा हो जाए। तो अब हम इसमें इस तरीके से सुराख कर देंगे, ठीक है। या वो दिख रहा होगा इसका एयर भी थोड़ा बैठ गया है, मतलब इसका फ्लफ हो गया है ऐसा, ठीक है। हमने 2 बनाए हैं तो हम मिक्सचर को हाफ हाफ डालेंगे। ओके अच्छे से सुराख कर दें, टेंशन ही नहीं है। या इट्स डन। ओके अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ ठंडा ठंडा बैटर डालेंगे जब केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ओके उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से डालेंगे, टेंशन नहीं लेने की, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ज्यादा ही अंदर चला जाएगा। साइडों में भी डाल दें, ठीक है। ये हाफ हो गया, इसको ये हमारा केक सोक कर लेगा इसको। ओके सुराख और कर दें आप इसमें, ठीक है। और इसको रख देंगे हम 1 घंटे तक के लिए, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे चॉकलेट गिनाश की लेयर। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका और केक को जितना अपने अंदर ये मिल्क का मिक्सचर सोक करना था उसने सोक कर लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी खाएं तो बहुत टेस्टी होता है, बट मुझे गिनाश ऊपर से लगाना है इसलिए मैं इसका एक्सेस निकाल दूंगी ताकि मैं इसके ऊपर गिनाश को कोट कर सकूं। आप लोग को याद होगा अभी जो लास्ट वीडियो है माल्ट केक की, उसमें हमने गिनाश बनाया था, तो वो गिनाश मेरे पास रिमेनिंग बचा हुआ था, तो मैं वही गिनाश इसके ऊपर लगाऊंगी। इसे अच्छे से पहले इसका मिक्सचर निकाल लेंगे, और अगर आप नहीं भी निकालें तो, क्योंकि अगर मैं एक ट्रे बिना गिनाश के रखूंगी तो जिसको गिनाश के बगैर खाना हो तो मेरे घर में वो खा सकता है, तो वो वैसे भी डायरेक्ट भी खाया जाता है तो ये ऐसे भी खा सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम ये जो गिनाश लगा रहे हैं बेसिकली ये ओपेरा का, सॉरी चौक उसका माल केक का गिनाश है, क्योंकि ओपेरा में भी गिनाश तो यही लगता है, गिनाश तो एक ही तरीके का सा बनता है, तो यही गिनाश हम मेरा रिमेनिंग था तो मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे से। नहीं गिनाश अंदर से थोड़ा हार्ड था क्योंकि फ्रीजर से निकाला होता इसलिए अच्छे से बैठ नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको खुद पाइपिंग बैग से निकाल के इस तरीके से खुद ही हाथों से
फैला लिया और ये बहुत मजे का लग रहा था। आप इसको गिनाश के साथ खाएं, इसके ऊपर लोग क्रीम कोट करके बिल्कुल केक बना के भी सर्व करते हैं। बट 3 मिल्क केक ऑर्डिनरी तुर्किश रेसिपी में इसी तरीके से बिना गिनाश के ही सर्व होता है। तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर ली है। अगर आपको इसकी प्लेटिंग और इसकी रेसिपी अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले जाएँ और जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाके फॉलो करें और फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और फायदा उठाएं। और आप मुझे कमेंट करें कि आपको कैसी लगती मेरी रेसिपीज़। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।